ओम शांति। आज की तारीख है 3/12/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है नव युग लाने वाले परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे अब कलयुग की रात पूरी हो रही है, नव युग बनाने बाबा आए हैं, इसलिए तुम जागो, बाप की याद से अपने विकर्म विनाश करो। प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि सतोप्रधान बनती जाती है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें दूसरों को आप समान बनाने के ख्याल आते रहेंगे, वह अपना और दूसरों का कल्याण करने की युक्तियां रचते रहेंगे, दिन रात सर्विस में लगे रहेंगे। प्रश्न दूसरा भी है, तुम बच्चों को बड़े ते बड़ी कौन सी कारोबार मिली हुई है? उत्तर है, सारी दुनिया को बाप का परिचय देने की कारोबार बहुत बड़ी है। कोई भी आत्मा बाप के परिचय के बिना रह न जाए तो रात दिन यही चिंतन चलता रहे कि कैसे किसको समझाएं और शंख ध्वनि करें। गीत बजा है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया नवयुग आया। धारणा के लिए मुख्य सार के दो गीता के महावाक्य। नंबर एक, ज्ञान धन दान करने में मनहूस नहीं बनना है, निकंजूस नहीं बनना है, अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए युक्तियां निकालनी है। नंबर दो है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, सर्विस और पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है, कड़े हिसाब किताब को भी योग बल से चुकतू करना है। वरदान सतगुरु शिव बाबा का, याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छे हैं, जो हुआ वो भी अच्छा और जो हो रहा है वह भी अच्छा और जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींची हुई है। सिर्फ याद और सेवा में सदा बिजी रहो, ये दोनों ऐसे नेचुरल हो जैसे शरीर में श्वास नेचुरल है। भाग्य विधाता बाप ने याद और सेवा की ये विधि ऐसी दी है जिससे जो जितना चाहे उतना अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। स्लोगन है, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मणि बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम।
शांति।